दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एसो की तरफ से आने वाला मदरबोर्ड B450M HDV। ये M4 सॉकेट के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, चलिए ठीक है दोस्तों, हम इसे अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें मिलता है मदरबोर्ड। दोस्तों हमें एक क्विक इंस्टॉलेशन गाइड मिलती है। उसके बाद दोस्तों हमें एक आयो शीट मिलती है और ये साटा केबल्स मिलती हैं आपको इसमें, और ये इस मदरबोर्ड के ड्राइवर्स की सीडी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑनलाइन लेटेस्ट ड्राइवर इंस्टॉल करें, इस सीडी से ड्राइवर को इंस्टॉल ना करें तो अच्छी बात है। चलें ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं अपने मदरबोर्ड की तरफ। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा मदरबोर्ड। ये एसरॉक की तरफ से आने वाला B450M HDV। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये CPU सॉकेट है इसका AMD AM4 सॉकेट पे बेस्ड है। और दोस्तों इसमें आपको रैम के लिए दो डीम स्लॉट मिलते हैं। DDR4 सपोर्टेड है, 3200 MHz प्लस OC, यानी कि आप इसमें 3200 MHz वाली रैम लगा सकते हैं। और दोस्तों इसमें आपको एक HDMI, एक DVI-D और एक DSub पोर्ट मिलते हैं, आउटपुट पोर्ट, यानी कि ये ट्रिपल डिस्प्ले को सपोर्ट करता है, यानी कि आप ट्रिपल मोनीटर लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको 6 USB 3.1 जन 1 मिलते हैं, दो फ्रंट पे हैं, चार पीछे हैं, और 6 USB 2.0 मिलते हैं, चार फ्रंट पे हैं, दो पीछे हैं। ऑडियो में दोस्तों आपको 7.1 चैनल का HD ऑडियो मिलता है, और फॉर्म फैक्टर दोस्तों इसका माइक्रो ATX। दोस्तों मैं आपको इसका फुल रिव्यू दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ से लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।